नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 18 की सुबह शुरू होगी वोटिंग। बिहार की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को पारी और 221 रन से हराया। दाखिल खारिज में देरी या गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हो जाए सावधान। 22 और 23 दिसंबर को बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं को मिलेगा रोजगार। अब ड्रोन खरीदने पर किसानों को 4 लाख रुपए की सब्सिडी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने 2422 रिक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ने विभिन्न ट्रेड में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 2422 पदों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट 50% मार्क के साथ 10th क्लास पास होने के साथ ही रेलिवेंट ट्रेड में ITI या इक्विवेलेंट डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस की समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.rrccr.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 18 की सुबह शुरू होगी वोटिंग। बिहार की राजधानी पटना जिला समेत 10 नगर परिषद व 2 नगर पंचायत का चुनाव 18 दिसंबर को होना है। इसे लेकर चुनाव प्रचार का कार्यक्रम 16 दिसंबर यानी कि आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। वहीं अगर 18 दिसंबर को होने वाले मतदान के समय की बात करें तो इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से की जाएगी। इसके साथ ही वैसे लोग या अभ्यर्थी जो चुनाव प्रचार प्रसार के समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं या फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही संबंधित मतदान वार्ड में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है तो उसके लिए भी चुनाव अभ्यर्थी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त श्रीवास्तव भारतीय फिल्म संगीतकार थे। चित्रगुप्त नाम से अधिक प्रसिद्ध 1950 और 1960 की दशक की हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है। उन्होंने 1962 में पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो का संगीत तैयार किया था। चित्रगुप्त का पूरा नाम चित्रगुप्त श्रीवास्तव था। इन्होंने अपने 4-5 दशक के करियर में करीब 150 फिल्मों में संगीत दिए हैं। उन्होंने ज्यादातर मुख्य धारा से बाहर रही बीसी ग्रेड की फिल्मों में संगीत दिया था। लता मंगेशकर के शुरुआती करियर में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रेम धवन के साथ उन्होंने कई बार काम किया और उनके गीतों को संगीतबद्ध किया है। छपरा शराब कांड की जांच के लिए SIT गठित। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के द्वारा संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के सारण जिले के मसरक इसाऊपड़ आदि थाना क्षेत्रों में अब तक 39 लोगों की मौत और दर्जन भर के बीमार होने के मामले की जांच करने को लेकर सोनपुर SDPO अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में कुल 31 पदाधिकारियों का SIT टीम का गठन किया गया है, जिसमें 3 DSP स्तर के भी पदाधिकारी शामिल है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अब तक पिछले 48 घंटे में किए गए कार्रवाई के दौरान 126 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही 2206 लीटर महुआ चुलाई और कच्ची शराब नष्ट की गई है। बताते चले कि यह कार्रवाई कई गांवों के कई व्यक्तियों की मृत्यु संदिग्ध तरीके से होने और कई व्यक्तियों के इलाजरत होने की सूचना मिलने पर की गई थी। कम बजट में न्यू ईयर के मौके पर जाएं ये 5 खूबसूरत शहर। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो ये 5 शहर आपके घूमने के लिए पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं। अगर आप सस्ती ट्रिप प्लान कर रहे हैं, विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में बसी मध्य प्रदेश की नगरी मांडू में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वास्तुशिल्प का यहाँ आपको बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इसे मालवा का स्वर्ग और महलों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा वे बाकी 4 शहर जहाँ कम बजट में घूमा जा सकता है उनमें अंडरेटा, बिनसर तमिलनाडु का कोडीकनाल हिल स्टेशन और मैक्लोडगंज शामिल है।
दोबारा वोट डाला तो पकड़ लेगा ये ऐप। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार खास तैयारी की गई है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एक बार वोट डालने के बाद दोबारा वोट डालता है तो उसकी पहचान मोबाइल ऐप के फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम के जरिए कर ली जाएगी। वहीं इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर FRS कर्मी की भी तैनाती की जा रही है। सिस्टम के संचालन और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। वहीं से लेकर 16 दिसंबर यानी कि आज भी 776 कर्मियों की बैठक होनी है ताकि इस ऐप के जरिए दोबारा मतदान करने वालों की पहचान की जा सके। तकनीकी अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सिस्टम का उपयोग पहली बार नगर निकाय चुनाव में किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वालों के लिए तेजस्वी ने किया ऐलान। बीते दिन गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के उन लोगों के लिए ऐलान किया गया है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बता दें कि अब जल्द ही उन सभी लोगों को सरकार की ओर से पक्का मकान दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण की शुरुआत पटना से की जा रही है जहां 48,000 लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7,76,33,00,000 रुपए की धनराशि राज्य के सभी जिलों को आवंटित कराई गई थी जिनमें से 3,000 करोड़ रुपए मिलने शेष हैं जिसे 2022 से 23 में राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय बजट के अनुसार खर्च किया जाएगा। आज से शुरू हो रहा खरमास, एक माह के लिए फिर थम जाएंगे शादी विवाह। 16 दिसंबर यानी कि आज से खरमास की शुरुआत हो गई है जिसका समापन मकर संक्रांति पर होगा। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। हालांकि खरमास को ईश्वर का मास भी कहा जाता है जिस वजह से इस दौरान मांगलिक कार्य भले ही वर्जित हो लेकिन अन्य पुण्य कार्य किए जाते हैं। बता दें कि ज्योतिषों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूर्य 14 जनवरी 2023 को रात्रि के तीसरे पहर में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही 15 जनवरी से खरमास खत्म होगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। खरमास महीने में दान करने के साथ श्राद्ध और मंत्र जाप करने का भी विधान है। सम्मानित होंगे राज्य के टॉप 50 अंचल अधिकारी। एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा उन अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है जो गड़बड़ी करते हैं तो वहीं दूसरी ओर उन अंचल अधिकारियों को सम्मानित भी कर रही है जो बेहतर कार्य करते हैं। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के वे टॉप 50 अंचल अधिकारी जो बेहतर कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी भी होंगे जिन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत हर माह जारी होने वाली अंचलों की रैंकिंग के आधार पर ऊपर के अंचल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। संसद में उठा जहरीली शराब का मुद्दा, भाजपा ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप। बीते दिन गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र में बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा भाजपा की ओर से उठाया गया। इस दौरान भाजपा सांसदों ने नीतीश सरकार पर जमकर आरोप लगाए और उन्हें अपने निशाने पर लिया। बता दें कि भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कह रहे हैं कि जो पिएगा वह मरेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर शराब बेचने वालों के टिकट भी दे रहे हैं। शराब से हुई सभी मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन गुरुवार को संसद में हुए शराब के मुद्दे को लेकर हंगामे से राज्यसभा के कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा था। दाखिल खारिज में देरी या गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हो जाए सावधान। दाखिल खारिज में देरी या गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार अब गंभीर हो गई है। बता दें कि अब ऐसे शिकायतों की जांच जो जनता के द्वारा की जाती है उनका रैंडम तरीके से जांच किया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कार्य योजना की तैयारी कर ली गई है। वहीं इनमें से कुछ मामले ऐसे भी होंगे जिन्हें जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगर जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस मामले को लेकर 12 CEO को निलंबित किया जा चुका है। वहीं एक दर्जन ऐसे मामले दायर है जिन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। बिहार की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को पारी और 221 रनों से हराया। रणजी ट्रॉफी के प्ले ग्रुप मैच में बिहार के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 221 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अरुणाचल प्रदेश की टीम पहले दिन 212 रन पर ऑल आउट हो गई है। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम बिना किसी नुकसान के 50 रन बना चुकी थी। बिहार की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और सलामी बल्लेबाज अधिराज जोहरी ने 200 गेंद में 118 रन की पारी खेली तो इसके अलावा ऋषभ राज ने 110 गेंद में 65 रन, सकीबुल गनी ने 125 गेंद में 66 रन की शानदार पारी खेली जिसके बदौलत बिहार की टीम 517 रन बनाने में सफल रही। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम महज 84 रन बना सकी और पूरी टीम पवेलियन पहुंच गई। आकर्षण का केंद्र बना यह झूला, आने वाले लोग खूब कर रहे तारीफ।
अब तक सैलानियों को इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के लिए वाल्मीकि नगर के जंगल और नदियों को पार करना पड़ता था, लेकिन बता दें कि वाल्मीकि नगर को जोड़ने के लिए झूला पुल का निर्माण कर दिया गया है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिस झूला पुल का निर्माण किया गया है उसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया है तथा उसे त्रिवेणी संगम तट पर बनाया गया है। यह झूला पुल अब पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है और यही वजह है कि यूपी की ओर से आसानी से पर्यटक इस झूला पुल से गुजरते हुए वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच सकते हैं। बीते दिन से बिहार सरस मेला की हुई शुरुआत। बीते दिन से बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार सरस मेला की शुरुआत हुई है। बता दें कि यह मेला बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसकी अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। बताते चले कि इस मेले में हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन, सिक्की कला के उत्पाद, जूट से बने सामान समेत कुल 400 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। 22 और 23 दिसंबर को बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार और श्रम विभाग के द्वारा 22 और 23 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में दिग्घा आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच रही है, जिनमें फ्लिपकार्ट, रिलायंस, निपन इंश्योरेंस, कोको कोला, बाटा समेत कई कंपनियां शामिल होंगी। वहीं इस मेले का समय सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक रखा गया है। इसके साथ ही इस मेले में जिन युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जाएगी उनकी संभावित सैलरी 10,000 से 40,000 तक रह सकती है। वहीं श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर इस रोजगार मेले के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो नियोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पड़ेगी बिहार में कड़ाके की ठंड। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं पहाड़ी में बर्फबारी के चलते बिहार झारखंड में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में आज से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य के तापमान गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में 15 दिसंबर यानी कि बीते दिन से गिरावट हुई है, जिसके कारण लगातार ठंड बढ़ सकती है। अब ड्रोन खरीदने पर किसानों को 4 लाख रुपए की सब्सिडी। किसानों के लिए किसानी को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान ड्रोन खरीदे और इसे बढ़ावा मिल सके, इसलिए किसानों को ड्रोन की खरीदारी करने पर ड्रोन के मूल लागत की 40% की दर या अधिकतम 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस पहल से लघु और सीमांत किसान भी खेती किसानी में ड्रोन का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। किसानों की ये मदद इसलिए की जा रही है ताकि खेती किसानी में वह तकनीकी तौर से पीछे न रह जाए। ड्रोन की मदद से किसान एक बार में काफी बड़े एरिया में आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएगा विधि समन्वय कोषांग। महाधिवक्ता ललित किशोर के द्वारा विधि समन्वय कोषांग का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट में दायर केस की सुनवाई के लिए बेहतर तालमेल रखा जाए और अदालती आदेश का सही समय पर पालन किया जा सके। यह कोषांग पटना हाईकोर्ट एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल रखेगा। इस दौरान कार्यक्रम में सभी सरकारी वकील एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव वी राजेंद्र समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ललित किशोर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कोषांग बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए 10 कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। बीते दिन गुरुवार को बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर छपड़ा में हुए जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी के विधायक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करते वक्त नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद विजय सिन्हा ने अवध बिहारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर विधानसभा के बरामदे में धरना पर बैठ गए और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही उनके की मांग भी की। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के विधायक हरिभूषण के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। नीतीश सरकार पर बरसे प्रशांत किशोर।
बीते दिन गुरुवार को राजनीति राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान ढाका प्रखंड के करमावा स्थित पावर हाउस के मैदान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के 7 से 8 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज यहां शराब बेची जा रही है। आखिर ये कैसी शराबबंदी? इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विधानसभा सत्र में हंगामा करने वाले भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठाया। पटना में अतिथि लेक्चरर धरना प्रदर्शन में पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में अतिथि लेक्चरर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जाप अध्यक्ष पप्पू यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां सरकार रोजगार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वैसे गेस्ट लेक्चरर या प्रोफेसर को बेरोजगार किया जा रहा है जो रोजगार है। उन्होंने कहा कि यह कैसी नीति है। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि इस मामले को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए ताकि वे लोग अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान धरना में प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह सहित कई पार्टी के लोग शामिल हुए। सिराज और कुलदीप यादव के बदौलत दूसरे दिन भारत की स्थिति मजबूत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में निचले क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन और कुलदीप यादव व मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी से भारतीय टीम ने पकड़ मजबूत कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों खासकर कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की बदौलत बांग्लादेश के 8 विकेट गिरा दिए हैं और बांग्लादेश की टीम सिर्फ 133 रन ही बना पाई थी। इसके बाद बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पारी की पहली गेंद ही पर बाएं हाथ के बल्लेबाज नजमुल हसन सांतो का विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद सिराज ने और 2 विकेट झटके, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन था और वह भारत से अभी 271 रन पीछे है। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की 1951 में स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। तमिलनाडु के कलपक्कम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना की गई। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म 1937 में हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को 2008 में गठित चड्डा समिति की संसुस्तियों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन 1971 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल सकीला बानो का निधन 2002 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पुलिस विभाग की सेवाओं के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पुलिस विभाग की सेवाओं के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। व्हाट्सएप के प्राइवेसी फीचर्स का ऐसे कड़े उपयोग। मेटा आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए बदलाव और अपडेट लाते रहती है। इन्हीं फीचर्स में व्यू वंस और रीड रिसिप्ट्स भी शामिल है, जो कि यूजर्स के सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे फीचर्स के इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं? अगर नहीं तो हम बता दें कि व्यू वंस फीचर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप खोलना होगा और जिसका भी फोटो या वीडियो भेजना चाहते हैं उसकी चैट ओपन करनी होगी। अब मैसेज बार पर दिख रहे फोटो आइकन पर टैप करें, इसके बाद अपने हिसाब से फोटो या वीडियो को चुन लें। वहीं रीड रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फोन पर व्हाट्सएप खोलना होगा। अब ऊपरी दाएं कोने पर दिखने वाले 3 डॉट मेनू ऑप्शन पर टैप करना होगा, फिर ड्रॉप डाउन मेनू से सेटिंग विकल्प चुनें। इसके बाद प्राइवेसी टैब पर जाएं, फिर रीड रिसिप्ट के लिए टॉगल को ऑफ कर दें।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, मृत्युंजय कुमार, मुटू रंगीला, बिट्टू कुमार राज, अनवर करीम खान, रविशंकर कुमार, कौशल सिंह, राजीव कुमार, मंगिता भारती, राम नरेश कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद इरशाद, राम शंकर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के किसानों की उन्नति हो सके इसके लिए सरकार की ओर से क्या क्या किया जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।